जय हिंद दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। आप तसल्ली से मेरी बात को सुनना, बहुत सारी चीजें मैं आपको बोर्ड पे क्लियर करूंगा। जैसा कि ये दोनों लोगों के लिए जो सर्विस कर रहे हैं, यानी सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन तक, यदि आज वो पेंशन जाते तो उनको पर मंथ पेंशन कितना मिलेगा, क्लियर बात। दूसरी बात, जो पेंशन जा चुके हैं उनको एक ऐसे पता चला है कि नोशनल पे 1 जनवरी 2016 से फिक्स होनी है। एक आपने देखा होगा, एक लेटर निकला था, 69 पेज की टेबल है तीनों आर्म्स के लिए, उसमें कि 1973 से लगाकर 2015 तक लोगों की जो पेंशन गए हुए हैं उनकी पे आज के दिन कितनी होनी चाहिए, यानी उनको क्या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, बड़ा विषय। कई लोग सवाल करते हैं साहब आज पे कितनी है, हवलदार की पे कितनी है, नाइसुआर की कितनी है। तो आज मैं उन्हें भी समझा सकता हूं कि वर्तमान में आज के दिन यानी प्रेजेंट पे स्ट्रक्चर क्या है, लोग क्या ले रहे हैं, और जो एक्सर्विसमैन भाई है वो क्या ले रहे हैं। वो थोड़ा सा वेरिएशन 1000-1500 का है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, पे बराबर ही है। क्योंकि आज के दिन में दो हवलदार जाएंगे तो दोनों हवलदारों की पे में पेंशन में अंतर हो सकता है, क्योंकि बेसिक पे का स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा अलग टाइप से बन गया है। पे रैंक के हिसाब से फिक्स नहीं है, पे इंक्रीमेंट और आपकी सर्विस के हिसाब से। तो आज आइए बोर्ड पे दो चीजें समझेंगे कि जो लोग सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन या इतने रैंकों में जा रहे हैं वो उनकी पेंशन कितनी बनेगी, और जो लोग पेंशन जो इंतजार कर रहे हैं नोशनल पे का क्या होगा। तो वो सोच सकते हैं कि आज जो इतना ले रहे हैं और मैं कितना ले रहा हूं उसमें कितना वेरिएशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैंने बनाया है प्रेजेंट पे, यानी रैंक सिपाही एसीपी नाइक, मतलब जो सिपाही फुल सर्विस अपना लेंथ ऑफ सर्विस पूरी है, इसमें लेंथ ऑफ सर्विस का आप पूरा समझ सकते हैं। एक सिपाही एसीपी नाइक जाता है, नाइक एसीपी हवलदार जाता है, हवलदार एसीपी नाइसुआर जाता है, सूबेदार साहब, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, यानी ये वर्तमान में कितना पेंशन लेंगे पर मंथ। मैं कैलकुलेट करके बताता हूं। जैसे मैं मान के चलता हूं सिपाही जिसकी 35,000 एसीपी नाइक की बेसिक पे है, 5200 उसका एमएसपी है, और क्लास पे है इसकी 450-600 जो भी आप लगा सकते हो, टोटल हो रहा है 40,650 यानी 40,650, और इसको डिवाइड करते हैं तो होगा 20,325, और इसका डीए बनता है 6300। मैं डीए ले रहा हूं 31%, मैं 31% मान के चल रहा हूं, 31% हो ही जाएगा, 28 है बट 3 मिल जाएगा। टोटल 26,625 पर मंथ हो रही है, विदाउट कम्यूटेशन है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। तो 26,625 ये तो पुराना बंदा है जिसके आसपास ले रहा है, उसकी सर्विस 20-22 साल करके आया है और सोच सकता है कि मैं इससे ऊपर हूं या नीचे हूं, क्या बेनिफिट इसके हिसाब से उसको मिल सकता है, ये टेंटेटिव है। इसी तरह नाइक एसीपी हवलदार की मैं बात लेके चलता हूं, 40,000 बेसिक पे है, फॉर्मल मैंने 10 लोगों का एवरेज लिया है, 5200 एमएसपी, टोटल 45,650, तो आधा कर देते हैं 22,825, 7,075 उसका डीए, यानी 29,900 पर मंथ उसकी पेंशन है विदाउट कम्यूटेशन, मैं फिर बोल रहा हूं। हवलदार एसीपी नाइसुआर जाएगा, फुल लेंथ ऑफ सर्विस करेगा, 45,000 बेसिक पे अभी चल रही है, 5200 उसको वर्तमान में एमएसपी है, 450-600 जो भी आपका क्लास वन पे है, 50,650 आपका टोटल पे, पेंशन आधा किया 25,325, 7,850 आपका डीए है 31%, यानी 33,175 पर मंथ पेंशन ले सकते हैं एसीपी नाइसुआर जो फिजिकली हवलदार रैंक से आया है। एसीपी नाइसुआर सूबेदार साहब 50,000 बेसिक पे और 5200 उनको एमएसपी, क्लास पे होती नहीं है, यानी 55,200 आधा कर दिया 27,600, 8,556 उनका हो गया डीए, यानी 36,156 उनकी पर मंथ है पेंशन। एसएम साहब सुविधा मेजर की बात करता हूं, 55,056 आसपास, 5200 एमएसपी, 60,200 उनकी पे, 30,100 9331 डीए, और 39,431 उनकी हो गई पर मंथ पेंशन। यदि वो ऑनरी लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, चाहे वो सूबेदार साहब हैं या सूबेदार मेजर साहब हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट बनते हैं तो उसकी बेसिक पे होती 56,100, 15,500 एमएसपी, टोटल करिए डिवाइड करिए 35,800 प्लस 11,100 डीए, यानी 46,898 उनका पर मंथ पेंशन है। कैप्टन साहब ऑनरी कैप्टन 61,300 प्लस 15,500, 76,800 टोटल डिवाइड दो 38,400, 11,900 उनका डीए और 50,300 उसकी पेंशन हो गई पर मंथ। यानी
ये आज जाने वाले हैं आज की कंडीशन में उनको इतना पेंशन पर मंथ मिल रहा है, और जो नेशनल पे की बात कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2016 से, वो एक टेबल है उसमें आप देख सकते हो कि अभी आप कहां हो, 1 जनवरी 2016 में कितनी होती है, वर्तमान में कितनी, इससे आप टैली कर सकते हो। पुराने लोगों से मैं निवेदन करता हूं, एमएसपी ऑलरेडी उनकी इंक्लूडेड है, 2.57 वाला जो फैक्टर था उसमें इंक्लूडेड, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों। ये था वीडियो कि आपको ये दोनों चीजें कर दी कि वर्तमान में जा रहे हैं उनका क्या पेंशन स्ट्रक्चर होगा, और जो लोग ले रहे हैं वो देख सकते हैं कि वर्तमान में इतना, मैं इसके कितने पीछे हूं, आपकी ज्यादा है तो कटेगी नहीं, कम है तो आपको अवश्य मिलने की संभावना है, यानी ये बहुत सारी चीजें इसके ऊपर इशू था, तो आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए दोस्तों। ये था आज का वीडियो, कल का मैं एक वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आपके पास जो पेंशन आने के बाद जो पैसा होता है आपने कहां इन्वेस्ट करना है, यानी मैंने कहां किया है और मैं किसके द्वारा इन्वेस्ट कराया, उस बंदे से भी मैं आपको जानकारी दूंगा। या तो आप प्रॉपर्टी में करेंगे पैसा अपना, या गोल्ड, या पोस्ट ऑफिस, या आप मार्केट में करोगे जिसमें म्यूचुअल फंड या शेयर, इनमें से कहीं भी आप करना चाहते हो बेशक कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी आपके अपने हिसाब से समझ लीजिए, गोल्ड आप समझ जानते ही हो, पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी स्कीम है इसके बारे में आपको मैं कल परसों इस तरह कंटिन्यूस वीडियो डालता रहूंगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड, उसके बारे में एक उसके क्वालिफाइड बंदा है जो मेरे साथ होगा आपको बताएगा, आप उसको समझिए। कॉल करके आप कहीं भी किसी साथ मार्केट लगाते हो लेकिन आप मेरे नंबर पे उसके नंबर पे बात करोगे तो आपकी जो भी शंका है उसका समाधान करता रहेगा। ये आपके लिए एक मैं सर्विस शुरू करने जा रहा हूं, ये कल परसों से एक सीरीज करूंगा। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें कि इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।